मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है जहर इंपोर्टेंट। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता जहर का मर जाना, बिकॉज 99% चांसेस है क्वेश्चन के आने के। देखो ए और टी में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में दो ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक है एरोप्लेन वाला और एक है ये क्लाउड वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी नहीं है लेकिन है बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये फिगर कैसे बनी, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ठीक है चलो, द एंगल द एलिवेशन द क्लाउड फ्रॉम द 60 मीटर अबव द लेक। तो ये ना मेरी लेक, ये मेरा समुद्र लहरे लहरे। ठीक है, लेकिन मैं इससे ऊपर खड़ा हूँ, कितना ऊपर खड़ा हूँ बेटा, 60 मीटर ऊंचाई पे। हो सकता है मैं किसी शिप पे हूँ, हो सकता है मैं कहीं और हूँ, ठीक है, लेकिन है किससे, समुद्र के लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा हूँ, और वहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल किस पर, क्लाउड पर। तो ये रहा मेरा बादल सुंदर सा। ठीक है, मैं इस बादल को देख रहा हूँ किस पर, क्योंकि मेरी आई तो यही होगी और 30 डिग्री पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो क्लाउड से 30 डिग्री पर आ गया एंगल 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑन द रिफ्लेक्शन ऑन द क्लाउड। अब देखो सुनो, साइंस क्या कहती है, तुम्हें जो इसकी इमेज दिखेगी वो दिखेगी पानी पर, तो पानी तो यहाँ है, लेकिन असली में उसकी रिफ्लेक्शन उतनी ही बनती है जितना नीचे उसका पानी है। बनती इमेज पानी के अंदर है लेकिन वो दिखती लेक के ऊपर ही है। तो हमारी जो इमेज बन रही होगी सेम यहाँ बन रही होगी, इसका मतलब हाइट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू हाइट ऑफ दिस। ठीक है ओके, क्योंकि मान लो ये शीशा है, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो अगर प्लेन मिरर है उसका एग्जैक्टली यहाँ होता है सबसे नीचे। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 होता है। इसका मतलब जितनी ऊंचाई यहाँ होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ऊंचाई भी नीचे होगी, और पानी भी प्लेन मिरर का काम करता है। देखो भाई मैथ्स में साइंस आ गई। ठीक है, तो इसलिए ऊपर जितना क्लाउड है उतना क्लाउड नीचे भी उसका रिफ्लेक्शन बन रहा होगा, और दिखता कहाँ है वो, ऑन अ सी लेवल। ठीक है, अब आगे बढ़ते, तो पहले ये कूड़ा मिटाओ, स्वच्छ भारत अभियान, चलो आगे। अब देखो मेजरमेंट लिखते हैं 60 मीटर, क्या इसमें कोई दिक्कत हुई कि 60 मीटर ही क्यों आया, 60 मीटर ठीक है, या 30 ठीक है। देखो कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये मेरा क्लाउड की रिफ्लेक्शन है और ये मेरा असली में क्लाउड है। ठीक है, और ये मेरा ओशन लेवल है या सी लेवल है, जो भी बोलो। इतनी बात क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से, ABCD मार्क कर देना जैसे आपको अच्छा लगे। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन मांग रहा होगा 20 ही निकाल दो। क्या बात है, तुम्हें गाली बक दी उसने, तुम निकाल के दिखा दो। ठीक है ओके, अब सुनो क्या करें क्या करें क्या करें, पहले एक्स वाई जेड मान लो, ये 60 है तो ये 60 होगा बेटा, और ऊपर वाले को क्या मान लू, एक्स, ऊपर वाली हाइट कितनी है मेरी, एक्स। मैंने अभी आपको बताया था अकॉर्डिंग टू साइंस जो एल सी बी होगा वही बराबर होगा बी डी के। ठीक है, तो हम सी बी को क्या मान चुके हैं, सी क्यू प्लस में क्यू बी के बराबर है वो, तो रहा तो बी डी, लेकिन ये बी डी ओके, और ये मन के मन चुका है एक्स, और ये था बेटा 60 इक्वल टू बी डी। अच्छा आपको एक दो स्टेटमेंट और भी लिखनी पड़ेगी, जैसे कि जो पी है वो बराबर था क्यू बी के, तो इसका मतलब क्यू बी की जो वैल्यू आ गई वो बेटा 60 मीटर आ गई, यहाँ पे मीटर है। क्या इतनी बात समझ आती है, इतना क्लैरिटी हो गई। अब हम फिगर से आगे बढ़ते हो भाई, हम आते हैं ट्रायंगल्स पर। तो एक ट्रायंगल तो बेटा मेरा ऊपर गिवन है, एक ट्रायंगल मेरा नीचे गिवन है, तो हम लगा दें सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल सी क्यू पी, तो लगा देंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू में एक्स अपोन में पी क्यू। बात सही है, अब पी क्यू वाले को मैं वाई मान लेता हूँ, तो ए बी वाला भी मेरा वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको वाई मान लेता हूँ, मैं बोलूंगा टेन 30 डिग्री जो होगा मेरा 1/√3, और इसको मैं मान रहा हूँ एक्स अपोन में बेटा वाई। ठीक है, अब लेट लिख लेना, लेट सी क्यू बी एक्स मीटर एंड पी क्यू बी वाई मीटर। ओके बच्चे, अच्छा ये रिलेशन निकल के आ गया, और जो मेरी आई वाई की वैल्यू वो मेरी निकल के आ गई √3x। ओके बच्चे, पहला पॉइंट आ गया। अगला, अब एक और ट्रायंगल जो मुझे सुंदर से दिख रहा है वो है पी क्यू डी। ठीक है, डी ये जो पी क्यू है, क्यू पे 90 डिग्री है, बीच में हमेशा 90 डिग्री वाला लिखा करो बेटा। चलिए, तो यहाँ लगाएंगे लगाएंगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी क्या होगा बताओ, 90 के सामने वाला हो जाएगा, 60 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये है आपको सोच के देखना, 60 प्लस में एक्स प्लस 60, सही बात है, अपोन में हो जाएगा पूरा का पूरा वाई, तो वाई ये कितना आएगा √3 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120 प्लस एक्स अपोन में वाई। अब अगले पेज पे आते हैं, इसे स्टेटमेंट लिखते हुए √3 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, यहां पे होती है कॉमन मिस्टेक, जब हम इस पेज से उस पेज तक उतारते हैं कम से कम 2 बार चेक किया करो। ठीक है, आंसर को कि हमसे सही उतारा है, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं कई बार, जितने भी होशियार बच्चे हैं भाई गलती मत करना, प्लस माइनस में मेंटली डिवाइड में दिमाग हमें जल्दी आंसर देता है, हमें जल्दी आंसर चाहिए नहीं लेकिन। ठीक है, √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 120 प्लस एक्स,
ये उधर चला गया बेटा, 2x इज इक्वल टू 120 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया बेटा 60। तो ये भी मेरे ख्याल से यहाँ होगा 60, ये बार मैच कर लेना। ये यहाँ से चाहिए था मेरे ख्याल से, नहीं हमें चाहिए था पूरा, हमें चाहिए था CB, ठीक है, नहीं तुम कह लो इसको BC, तो कितना चाहिए था 60 + 60, तो आंसर हो गया बेटा 120। अच्छा मीटर लगाना मत भूलना, क्लियर है बच्चे, समझ आ गया ये वाला रूल, ठीक है, थोड़ी सी साइंस लगा, थोड़ी सी मैथ लगा, क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा बाय बाय। ठीक है।